जयपुर में बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। सीएम गहलोत और बीसीसी अध्यक्ष गांगुली कल करेंगे शिलान्यास। 280 करोड़ में होगा पहले फेज का निर्माण। राजस्थान के जयपुर दिल्ली बाईपास स्थित चौप में कल दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी जय शाह भी वर्चुअली शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले आरसीए पदाधिकारी सुबह हिंदू रीति रिवाज से भूमि पूजन करेंगे। दोपहर 12 बजे से 280 करोड़ की लागत से स्टेडियम के पहले फेज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने बताया कि हम इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के प्रोजेक्ट का काम 2.5 से 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। ये देश का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इसमें 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता विकसित की जाएगी। स्टेडियम का निर्माण दो फेज में कराया जाएगा। इस स्टेडियम में 11 क्रिकेट पिच, 2 प्रैक्टिस ग्राउंड, 1 क्रिकेट अकेडमी के अलावा हॉस्टल, पार्किंग, स्पोर्ट्स क्लब, होटल और जिम की आदि की सुविधाएं होगी, जो इंटरनेशनल लेवल की होगी। अहमदाबाद में बना मोटेरा स्टेडियम की दर्शक क्षमता 1,10,000 की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की क्षमता 1,00,000 दर्शक की है। ऐसे में मोटेरा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। वहीं अब जयपुर में बनने वाला ये स्टेडियम देश का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन जाएगा, जहां 75,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। 9 साल से अटका है जमीन का मामला। दरअसल जयपुर में आरसी को जमीन देने का मामला पिछले 9 साल से अटका पड़ा था। अशोक गहलोत जब सरकार 2008 और 13 तक मुख्यमंत्री थे, तब ये जमीन देने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। साल 2014 में जमीन का अलाइनमेंट भी हो गया था, लेकिन बाद में आरसीए ने विवाद होने के बाद जमीन का अलाइनमेंट कैंसिल हो गया। इसके बाद जब आरसीए ने वैभव गहलोत अध्यक्ष बने, तब वापस जमीन लेने का प्रोसेस शुरू किया गया था, जिसके बाद आरसीए को डीएलसी रेट की 30% कास्ट पर जमीन अलॉट हो गई।